सोलन में पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों के लिए प्रयासरत रहने वाली सामाजिक संस्था लॉयन क्लब की महिला विंग का अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता पानीपत जनपद अध्यक्ष लॉयंस नीलम अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में लॉयंस अंजू वंसल व उनकी टीम को आगामी वर्ष के लिए अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई की। नवनियुक्त प्रधान नीलम अग्रवाल इस उद्देश्य को लेकर अपनी टीम के साथ सेवा कार्य करेंगी। इस अवसर पर चेयरपर्सन सोनिका जयसवाल ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और क्लब द्वारा करवाई जा रही गतिविधियों के बारे में सबको अवगत करवाया। कार्यक्रम में साल भर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। क्लब द्वारा आने वाले समय में कैंसर पीड़ित महिलाओं का निःशुल्क इलाज, गरीब महिलाओं को सिलाई सीख कर आत्मनिर्भर बनाने जैसे सामाजिक कार्य किए जाएंगे। समारोह में शिमला व चंडीगढ़ क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आभा महाजन ने बताया कि क्लब का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना है, जिसके लिए क्लब की सभी सदस्य तन मन धन से मिलजुल कर योगदान करती हैं। महाजन ने बताया कि आने वाले वर्ष में क्लब द्वारा सोलन में एक पार्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं गरीब लड़कियों को निःशुल्क सिलाई का कोर्स करवा कर निःशुल्क सिलाई मशीनें देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा एक कैंसर से पीड़ित महिला की निःशुल्क इलाज भी करवाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य जो है सेवा करना, सर्विस करना, फेलोशिप, लोगों के साथ प्यार बांटना, प्यार देना, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जितनी भी हम लोग अपनी तरफ से जरूरत पूरी कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, हम उनकी मदद करते हैं। यही हमारी संस्था का मेन ध्येय है कि लोगों की सेवा जितनी भी हम कर सके हम करें। और हमारी लॉनेस, हमारे क्लब में 29 लॉनेसेज हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेती हैं। इस साल का मेन हमने एक पार्क अडॉप्ट किया है, उसको हम अब डेवलप करने जा रहे हैं। और बाकी जो हमारा मेन मकसद है, जो लड़की, हम एक लड़की को सिलाई सिखा रहे हैं, दो लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, उसके बाद उनको पैनों पे खड़ा करेंगे। यही हमारा इस साल का मेन मकसद है।